Hey guys, hi, and guys, good morning to everyone, and guys, welcome to your study channel, our best channel, the educational side. तो गाइस कैसे आप सब? तो गाइस उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे. तो गाइस अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल दी एजुकेशनल साइड. ठीक है, तो गाइस जैसे कि इसके पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके थे, आज के हम सबसे आप इसका चारों की चारों जो थ्योरी थी, जैसे गाइस वाइटल थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, क्वेश्चन टेंशन थ्योरी और कैपिलरी थ्योरी, सॉरी फिजिकल फोर्स थ्योरी, वो चारों की चारों थ्योरी हम खत्म कर चुके थे इसके पहले वाली क्लास में. अगर उस क्लास को आप नहीं देखें और मिस कर दिए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं फिर से. ओके गाइस, तो गाइस इसके बाद आज के सबसे आपके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज ट्रांसपिरेशन. तो गाइस ट्रांसपिरेशन क्या होता है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या किस किस टाइप से ये होते हैं, और गाइस क्या इसका सिग्निफिकेंस होते हैं, वो सब सारे के सारा हम आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. तो गाइस चलिए बिना देखे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस ट्रांसपिरेशन क्या होते हैं गाइस ट्रांसपिरेशन? तो गाइस ट्रांसपिरेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरिड पार्ट ऑफ द प्लांट्स. तो गाइस ट्रांसपिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, प्लांट्स की एरिड पार्ट से हमारे वाटर लॉस होती है वाटर वेपर के जरिए. ठीक है, ये होते हैं ट्रांसपिरेशन. देन नेक्स्ट, देन ट्रांसपिरेशन रेशियो. ट्रांसपिरेशन रेशियो हम कैसे निकल सकते हैं? तो ये इज कॉल्ड टू द मास ऑफ द वाटर ट्रांसफर होल डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द ड्राई मैटर प्रोड्यूस. जितनी भी सारे वाटर ट्रांसफर होते हैं प्लांट के एरियल पार्ट से, जितनी अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसफर हो गया उसको और जितनी ड्राई मैटर प्रोड्यूस होते हैं उसके बाद, अगर इस दोनों को हम डिवाइड कर दें तो गाइस हम पाएंगे क्या, ट्रांसपिरेशन रेशियो. ठीक है, देन नेक्स्ट, एन एकर्स ऑफ कॉर्न गिव्स ऑफ अबाउट 11,400 to 15,100 लीटर ऑफ वाटर इज डे. वन एकर गाइस, वन एकर ऑफ कॉर्न, अगर गाइस वन एकर ऑफ कॉर्न क्या करती है गाइस, ये जो कितनी अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसफर करती है, अबाउट गाइस 11,400 to 15,100 लीटर्स, इतनी ज़्यादा अमाउंट में वाटर ये लॉस करती है हर एक दिन, मतलब एवरी डे. ए लार्ज ओक ट्री कैन ट्रांसफर 1,51,000 लीटर्स ऑफ वाटर इस डे. और गाइस एक ओक ट्री ये हर एक दिन कितनी अमाउंट ऑफ ट्रांसफर करती है वाटर, 1,51,000 ऑफ लीटर एवरी डे, जो गाइस बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है. देन नेक्स्ट, देन रेट्स. ट्रांसपिरेशन का रेट्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ द प्लांट कैन बी मेजर्ड बाय नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक फोटोमीटर, लिसीमीटर, थर्मोमेट्रिक, सैप फ्लो ऑफ सेंसर. ये जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके मदद से हम ट्रांसपिरेशन का रेट्स मेजर कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट, देन ट्रांसपिरेशन के बारे में और कुछ जानते हैं. ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस और प्लांट एक्सक्रेटरी सिस्टम टू डिस्चार्ज एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर. ट्रांसपिरेशन जो होते हैं प्लांट्स का एक एक्सक्रेटरी सिस्टम होते हैं जिसमें जितनी भी सारे डिस्चार्ज एक्सेस ऑर्गेनिक का मतलब जितनी ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो होते हैं गैस अवेलेबल होते हैं जो कि प्लांट्स में ऑब्जर्व होते हैं, वो सारे के सारे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसफर हो जाते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वाटर मॉलिक्यूल इन द प्लांट टिश्यू आर रिमूव फ्रॉम द एरियल पार्ट एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व बाय द प्लांट व्हिच इज यूटिलाइज्ड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रेस्ट एलिमिनेटेड थ्रू द ट्रांसपिरेशन. तो इस प्रोसेस के दौरान जितने भी सारे जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होते हैं वो हमारे प्लांट टिश्यू के माध्यम से रिमूव हो जाते हैं जो कि प्लांट के एरियल पार्ट से, और ओनली सिंपल और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो होते हैं गाइस ऑब्जर्व होते हैं जो गाइस प्लांट यूटिलाइज करती है जो कि इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, और रेस्ट अगर वहाँ पर भी बच जाती है वाटर तो ये फिर से एलिमिनेट कर दिए ट्रांसपिरेशन के मदद से. ठीक है, तो ये होती है ट्रांसपिरेशन का मेथड और मैकेनिज्म. देन ये तो गई हमारी ट्रांसपिरेशन क्या होती है. देन गाइस देखते हैं ट्रांसपिरेशन की टाइप्स किस किस टाइप से ये होते हैं. तो गाइस टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन विच आर डिस्क्राइब बिलो. तो गाइस ऐसे हमारे में भी बायोलॉजिकल सिस्टम में चार तरह का ट्रांसपिरेशन होते हैं, जैसे गाइस फर्स्ट वन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, देन लेंटिकुलर, क्यूटिकुलर एंड ट्रांसपिरेशन थ्रू हुक, ऐसे फोर तरह से होते हैं. तो वन बाय वन देखते हैं हम.
तो फर्स्ट देखते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होता है। जैसे कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन मतलब गाइस यहाँ पे सिंपल वर्ड क्या होता है स्टोमाटा, इसलिए गाइस यहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन होते हैं वो स्टोमाटा के थ्रू ही होती है। और गाइस जैसे कि आपको पता है हमारा स्टोमाटा जो होते हैं गाइस लाइट में मतलब डे में ये ओपन रहती है और नाइट में ये क्लोज रहती है, जो कि इसका स्टोमाटा मैकेनिज्म पढ़ने के दौरान हम बताएंगे आपको कैसे ये होती है, इसका फुली मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे आगे। देन अब देखते हैं इसका टाइप्स स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। हियर द ट्रांसपिरेशन अकर फ्रॉम द स्टोमाटा ऑफ द प्लांट एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट वाटर लॉस इन दिस वे। जैसे कि इसमें बताया यहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन अकर होती है कहाँ पे गाइस स्टोमाटा के थ्रू, प्लांट की जो स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स में और इसके एरियल पार्ट्स में वहाँ पे वाटर लॉस होती है, और बहुत ही ज़्यादा कैसे में बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स में इस तरीका अपनाया जाता है और ट्रांसफर करने के लिए वाटर एक्सेस अमाउंट ऑफ। देन नेक्स्ट सेकंड टाइप दैट इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो गाइस लेंटिकुलर जो है एक वर्ड से आई है लेंटिकल, जो गाइस क्या होते हैं तो गाइस लेंटिकल आर द माइन्यूट ओपनिंग इन द बॉर्ग ऑफ द ब्रांचेस और ट्विग। तो गाइस ब्रांचेस जो और ट्विग जो होते हैं गाइस बॉर्ग में यहाँ पे एक सिंपल माइन्यूट ओपनिंग होती है वो होती है लेंटिकल। और गाइस लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन में ये लेंटिकल जो होते हैं गाइस इसके मदद से हमारे वाटर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और गाइस इन ऑल प्लांट्स लेंटिकल नॉट प्रेजेंट ओनली ए मिनिमल वाटर लॉस डन इन दिस वे। और गाइस हर तरह का प्लांट्स में ये जो लेंटिकल जो होते हैं गाइस ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए गाइस बहुत ही मिनिमल और बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इस प्रोसेस में ट्रांसफर होती है। तो गाइस नेक्स्ट क्यूटिकुला, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन इट इज़ द इवेपोरेशन ऑफ। तो गाइस यहाँ पे भी एक टर्म है जो कि क्यूटिकल, क्यूटिकल वार्ड से क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन हुई है। तो गाइस यहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन होती है कहाँ से क्यूटिकल से, प्लांट में जो क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे होते हैं। तो क्यूटिकल फर्स्ट देखते हैं क्या होते हैं, इट इज़ द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द क्यूटिकल ऑफ द प्लांट्स। ओके जैसे कि बताया तो गाइस क्यूटिकल क्या होता है, द क्यूटिकल इज ए वैक्सी कवरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट। तो गाइस क्यूटिकल क्या होता है, एक वैक्सी कवरिंग होते हैं जो कि लीव्स के सरफेस में जो होते हैं ये होते हैं हमारे क्यूटिकल। तो गाइस इसके मदद से यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होते हैं। अबाउट 5-10% ऑफ वाटर लॉस थ्रू दिस क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन, बट ड्यूरिंग डे कंडीशन व्हेन स्टोमाटा इज क्लोज्ड मच मोर ऑफ द वाटर आर ट्रांसफर इन दिस वे। तो गाइस यहाँ पे एक क्यूटिकल की मदद से 5-10% ऑफ वाटर जो लॉस होती हैं जो कि हमारे क्यूटिकल की मदद से, बट गाइस ड्राई कंडीशन में जब गाइस टोमाटा हमारी क्लोज होती है तो गाइस मोस्ट ऑफ द वाटर यहाँ पे ट्रांसफरेट होते हैं प्लांट जो यूज करते हैं इस मदद से क्यूटिकल के थ्रू, ठीक है। तो गाइस लास्ट टाइप्स दैट इज ट्रांसपिरेशन थ्रू फ्रॉग। ये इतना भी गाइस मेन नहीं है बट सिंपल है। तो गाइस ट्रांसपिरेशन थ्रू फ्रॉग, तो गाइस बोर के माध्यम से जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन थ्रू ब्रॉक। इन ओडी स्टेम लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एक्सपायर्ड थ्रू द बॉर्क एंड कॉर्क सेल डिफरेंट गाइस। जैसे गाइस ओडी स्टेम जो होते हैं गाइस वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में वाटर जो एक्सपायर होते हैं कहाँ से, इसका बॉर्क एंड कॉर्क सेल से, ठीक है। तो गाइस ये थी हमारी टाइप्स। तो गाइस आज की क्लास को हम देखते हैं, तो गाइस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फैक्टर ऑफ ट्रांसपिरेशन और इसका सिग्निफिकेंस, इसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए नेक्स्ट क्लास है। तो गाइस उस पल तक बने रहे हमारे साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।